हरियाणा में 8 फरवरी से कोविड महामारी के खात्मे के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। पानीपत सिविल अस्पताल के टीकाकरण सेंटर में सबसे पहले एसपी पानीपत ने वैक्सीनेशन की शुरुआत की। उनको पहली डोज देने के बाद डीसी पानीपत को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज दी गई। वैक्सीन लगवाने के बाद डीसी धर्मेंद्र सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैं फिट एंड फाइन हूँ और आज हरियाणा सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण के लिए 50,000 का लक्ष्य दिया है। जिले के लिए 1600 का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें पुलिस विभाग के साथ साथ नगर निगम व अन्य विभागों के कर्मचारियों को 12 रजिस्टर्ड केंद्रों पर जाकर अपना वैक्सीनेशन करवाना है। टारगेट को पूरा करने के लिए सभी सेंटरों पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। हम हरियाणा सरकार द्वारा वैक्सीनेशन डे डिसाइड किया गया है तो पूरे स्टेट में 50,000 का टारगेट रखा गया है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 1600 का टारगेट है और हम सुबह से ही लगे हुए हैं। सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, पंचायत डिपार्टमेंट के हैं सभी, और WCD डिपार्टमेंट है, तो सभी को इनक्रेज किया गया। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन करवाएं। यहाँ 12 सेंटर स्थापित किए गए हैं आज के दिन, और जो भी रजिस्टर्ड है फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में वो किसी भी सेंटर में जाके उनके लिए सुविधा अपने सुविधा और समय के हिसाब से कहीं भी जाके अपना वैक्सीनेशन करवा सकता है। थैंक यू सर, आपके सामने खड़ा हूँ, अभी लगवा के आया हूँ, फिट एंड फाइन। वही DSP हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने बताया कि पानीपत जिले में 1800 कर्मचारी है। कुछ लोग बाहर होने के कारण कम से कम 1000 से 1200 पुलिस कर्मियों को वैक्सीनेशन की पहली डोज आज दी जाएगी। 8 फरवरी को सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें विशेषकर पुलिस विभाग को टारगेट इसमें किया गया है कि पुलिस विभाग आज 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए। इस विषय में आज सुबह सुबह सभी DSPs ने, हमारे SP साहब ने, DC ने, सभी ने वैक्सीनेट करवाया है और हमारी सारी पुलिस आज, हमारा टारगेट है कि जितनी भी पुलिस हमारे यहाँ कुल 1800 की स्ट्रेंथ पोस्टेड है, उसमें से कुछ लोग बाहर होंगे जैसे टेम्परेरी ड्यूटी वगैरह पर, 1000+ का टारगेट हमने आज रखा कि 1000 से 1200 तक हम आज पुलिस कर्मियों को वैक्सीनेट यहाँ पर करवाएंगे। और इसका जैसे हमने पढ़ा है, जैसे सुना है और जो लर्न डॉक्टर्स हैं उनसे सुना है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हमने लगवा लिया है, बिल्कुल सही है और सभी को इसके लिए मोटिवेट होना चाहिए। जब DC SP ने लगवाया है तो मैं समझता हूँ कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, पुलिस का स्टाफ है, वो अवश्य ही मोटिवेट इससे होगा और वो आगे बढ़ के ये वैक्सीनेट आज करवाएं। इसके लिए सभी कर्मचारियों को टाइम से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुँचने के लिए कहा गया है और पुलिस के वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हम जल्द ही पूरा कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।